हम समझेंगे लिनक्स का फाइल सिस्टम परमिशन के बारे में। रीड के लिए 4 वैल्यू दिया जाता है, राइट पे 2 वैल्यू दिया जाता है और एग्जीक्यूट पे 1 वैल्यू दिया जाता है। तो जब भी आप ls -ial देते होंगे तो वहां पे आप देखे होंगे wrx, वो है रीड राइट एग्जीक्यूट, मतलब की रीड राइट और एग्जीक्यूट, इसके बारे में वो कह रहा है। एग्जैक्ट कमांड देखने को यहाँ से मिल जाता है कि हम कौन सा फाइल परमिशन का एक्चुअल वैल्यू पास कर रहे हैं। तो यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस है, लेकिन मैं यहाँ पे बताऊंगा 1 by 1 कि इन सब का क्या वैल्यू है। यहाँ ऑनर राइट, ग्रुप राइट्स और अदर राइट्स जो यहाँ पे हैं, ये है कि पब्लिक भी एक्सेस रीड राइट एग्जीक्यूट करा सकती है। अगर इसको बंद कर दे तो अदर यूजर, कंप्यूटर के जो यूजर हैं ऑनर राइट्स एंड जो ग्रुप है उसको छोड़कर कोई भी अभी एग्जीक्यूट रीड राइट नहीं कर सकता है। अगर ग्रुप भी हटा दें, ग्रुप को भी अगर हटा दें, तो यहाँ पे जो यूजर है, जो यूजर जो लॉग इन यूजर है या जिसके द्वारा वो फाइल क्रिएट किया गया है, तो वही यूजर उसको रीड राइट एग्जीक्यूट करा सकता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं कि जब भी सर्वर सर्वर या VPS या EC2 में जब भी हम फाइल सिस्टम को रखते हैं तो वहाँ पे हम देते हैं 777, अक्सर हम लोग करते हैं ऐसे, मतलब कि सभी लोग रीड राइट एग्जीक्यूट करा सकते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट, कुछ फोल्डर्स और फाइल्स ऐसे होते हैं जिनको रीड ही रखना होता है, या कोई फाइल है जिसको अदर कोई रीड भी नहीं कर सकता है, जैसे EMV फाइल है, उसको वेब व्यूअर अगर है तो उसको रीड नहीं करना चाहिए। तो उस केस में कुछ फाइल पे ये भी परमिशन है, सब परमिशन भी हो सकता है, किसी पे 400 भी हो सकता है, कि केवल जो यूजर है वही, जो उस सिस्टम का एक्चुअल यूजर है वही केवल रीड करे, या जिसको परमिशन है वही केवल रीड करे। तो बहुत से केसेस में 400 भी फाइल का परमिशन रखना होता है, जैसे कि कॉन्फिग फाइल है या .env फाइल है या मैनिफेस्ट फाइल है। तो ये सब फाइल जो होते हैं वेब एप्लीकेशन के लिए प्रीसियस होते हैं, ये सब फाइल एक्सपोज नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो फाइल्स हैं उनका सही से परमिशन सेट है या नहीं। यहाँ देख सकते हैं वर्बोस मोड आउटपुट डायग्नोस्टिक फॉर एवरी फाइल प्रोसेस्ड, ऐसे मतलब कि जब मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें नहीं पता चल पाता है कि क्या एक्चुअल प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि जब रिकर्सिवली हम फाइल परमिशन चेंज पे जब जाते हैं एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जहाँ पे होता है, तो उस केस में क्या होता है 10 to 15 मिनट और मे बी 20 मिनट, मे बी फॉर हाफ एन आवर और 1 आवर स्क्रीन फ्रीज हो जाएगा, उसी जगह पे एक ही जगह पे रहेगा। तो उस केस में पता नहीं चलता है कि एक्चुअल बैक में हो क्या रहा है और प्रोसेस हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो उस केस में आप वर्बोस चला सकते हैं जो आपको ये आउटपुट डायग्नोस्टिक फॉर एवरी फाइल प्रोसेस, तो क्या करेगा जितना भी फाइल प्रोसेस किया जा रहा है उन सबका आउटपुट प्रिंट करते रहेगा। बस आपको ऑप्शन चलाना है -- वर्बोस आगे में जोड़ लेना है। उसके बाद आते हैं चेंज। अगर कोई फाइल का परमिशन पहले से, हम अभी फाइल परमिशन सेट कर रहे हैं 664 सेट कर रहे हैं, और किसी फाइल का परमिशन ऑलरेडी पहले से ही 664 है, तो उसका फाइल परमिशन चेंज नहीं होगा, वो ऐसे ही मेंटेन रहेगा। लेकिन जिस फाइल का परमिशन चेंज होगा, जो दूसरा फाइल परमिशन जिसका है और उसका फाइल परमिशन अगर 664 होता है, तो उस चेंज को डिटेक्ट करके दिखाएगा लाइक वर्बोस बट रिपोर्ट ओनली व्हेन ए चेंज इज मेड। अगर कोई फाइल के परमिशन में चेंज होता है तो उसको केवल रिपोर्ट करेगा। साइलेंट है, साइलेंट आपको कोई आउटपुट नहीं देगा, डायरेक्टली सप्रेस मोस्ट एरर मैसेज, अगर कोई एरर मैसेज भी आ रहा है, जैसे कि किसी फाइल का ओनर रूट है और वहां पे प्रिजर्व लगा हुआ है पहले से या स्टिकी बिट लगा हुआ है, तो उस केस में अगर एरर आता है, एक नॉर्मल यूजर अगर फाइल को चेंज कर रहा है, परमिशन को चेंज कर रहा है, तो उस केस में एरर आएगा तो उसको सप्रेस कर देगा साइलेंट। और डिफॉल्ट है एरर मैसेज ओनली, अगर कुछ एरर आता है बाय डिफॉल्ट जो हम रन करते हैं csmod -r और सम परमिशन नंबर एंड द फाइल नेम और फोल्डर नेम, तो उस केस में जो डिफॉल्ट एरर मैसेज आता है वो ये डिफॉल्ट हैंडल करता है। अभी आता है रिकर्सिव। रिकर्सिव
हम लोग यूज करते हैं जब हम डायरेक्टरी पे ऑपरेशन कर रहे हैं। ऐसे रिकर्सिव को जब ऑफ करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं ये फाइल नेम हो गया, लेकिन जैसे ही रिकर्सिव ऑन करते हैं यहाँ फोल्डर नेम हो जाता है। आप फाइल नेम पे ऑपरेट नहीं कर, रन कर सकते हैं लेकिन कुछ फायदा है नहीं रिकर्सिव चलाने का, एक फाइल सिंगल फाइल पे रिकर्सिव चलाने का। तो रिकर्सिव हम फोल्डर नेम फोल्डर पे चलाते हैं कि नेस्टेड फोल्डर होगा उसके इनसाइड में, तो वन बाय वन फोल्डर को प्रोसेस करते जाएगा और उसके अंदर का जो फाइल्स है उसको भी प्रोसेस करते जाएगा। तो इसके लिए रिकर्सिवली हम चला दिया। अभी आते हैं प्रिजर्व रूट। प्रिजर्व रूट जब ऑप्शन लगाते हैं तो ये अपेंड करता है हाइफन हाइफन प्रिजर्व हाइफन रूट। तो इसका काम है फाइल टू फेल टू ऑपरेट रिकर्सिवली ऑन स्लैश। स्लैश यहाँ देने का मतलब है रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी व्हेन जब भी आप कमांड लाइन में टाइप करेंगे सीडी स्पेस स्लैश, तो वो क्या होता है रूट डायरेक्टरी पे आता है। रूट डायरेक्टरी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल्स होते हैं, यूजर मल्टीपल यूजर्स का होम डायरेक्टरी होता है, या डी भी डायरेक्टरी है, बिन डायरेक्टरी है, ये जितने भी हैं उस पे ऑपरेट नहीं करने के लिए, कि जिसका ओनरशिप रूट के पास है उस पे ऑपरेट रिकर्सिवली ना करें। रेफरेंस फाइल, रेफरेंस फाइल है कि जैसे मेरा एक एग्जिस्टिंग फाइल का पहले से कुछ परमिशन सेट किया हुआ है और हम चाहते हैं कि उस सेम परमिशन जो अभी मैं करंट फाइल पे परमिशन मॉडिफाई करने जा रहा हूँ वही परमिशन है जो प्रीवियस फाइल का है, तो वहां पे हम उस फाइल का रेफरेंस ले लेंगे। उस फाइल का रेफरेंस लेने के लिए सपोज यहाँ पे हम फाइल नेम दे दिए स्लैश abc.sh। सपोज एक फाइल नेम है तो इस फाइल नेम का ये रेफरेंस लेगा, और यहाँ पे क्योंकि हम एक फाइल पे चला रहे हैं या फोल्डर, अगर फोल्डर पे चला रहे हैं तो टोटल फोल्डर पे भी वो रेफरेंस करेगा। इसलिए हम फाइल पे अगर चला रहे हैं तो ये रेफरेंस लेंगे और यहाँ फाइल नेम पास कर देंगे। तो क्या होगा कि जो फाइल नेम जो हम पास कर रहे हैं उसका परमिशन सेम हो जाएगा किसके जैसा जो रेफरेंस मिली है। तो यहाँ हमें ऐसे पास करने पे वहाँ वो रेफरेंस कर लेगा। रेफरेंस फाइल का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कैसे है। जैसे हम यहाँ पे कमांड रन किए ls-l users.list रन किए और keys.list रन किए, तो ये दोनों फाइल का आउटपुट हमको मिला। एक है रीड राइट एग्जीक्यूट फॉर यूजर एंड फॉर अदर्स नो परमिशन, एंड फॉर यूजर्स लिस्ट है रीड राइट फॉर यूजर, रीड राइट एग्जीक्यूट फॉर ग्रुप एंड रीड राइट एग्जीक्यूट फॉर अदर्स। तो ये दो फाइल परमिशन हैं, दो फाइल हैं और उन दोनों पे परमिशन हैं। तो अभी हम चाहते हैं कि जो कीज डॉट लिस्ट है उसका परमिशन यूजर्स डॉट लिस्ट जैसा हो जाए, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं सूडो chmod हाइफन हाइफन रेफरेंस इक्वल टू, रेफरेंस किसका ले रहे हैं यूजर्स डॉट लिस्ट का रेफरेंस ले रहे हैं, और यहाँ पे फाइल नेम पास कर दिया। हमको परमिशन पास करने का भी जरूरत नहीं है कि 6677 रहना चाहिए या 5555 रहना चाहिए, वो भी पास करने का जरूरत नहीं है। बस इस फाइल का रेफरेंस मैं पास कर रहा हूँ और यहाँ पे चेंज कर लेगा, जब दोबारा इसको लिस्ट किया जाएगा तो परमिशन सेम आएगा। तो ये है वेरीफाई परमिशन वेरीफाई करने के लिए, यहाँ पे है कि ये वेरीफाई करेगा और एक फाइल का परमिशन कैसे दूसरे में ट्रांसफर करना है उसके लिए। अभी आते हैं इसके सेट GUI गेट GUID एंड स्टिकी बिट पे। तो यहाँ मैंने कुछ नोट डाउन करके रखा है इस तीनों के लिए। तो सेट GUID है कि जब भी आप कोई एग्जीक्यूटेबल चला रहे हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल, तो उस केस में अगर सेट UID किए हैं जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है जैसे कि ss file.ss file या जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है, तो उस केस में क्या करेगा कि जो परमिशन है जो उसका क्रिएटर है उस पर सेट कर लेगा। सेट जी आई डी है कि जब ये फाइल पे चलाया जाता है तो एग्जीक्यूट्स विथ ग्रुप प्रिविलेज ओन्स, जो जो उसका क्रिएटर है या जो उसका ओनर है ओन इट इंस्टीड ऑफ एग्जीक्यूटिंग विद दोज ऑफ ग्रुप ऑफ यूजर हु एग्जीक्यूटेड। ऐसा नहीं कि जो यूजर जो एग्जीक्यूट कर रहा है उसको ओन करेगा, वो क्या करेगा एक ग्रुप का UID सेट करेगा। ग्रुप का UID मतलब कि एक ग्रुप में अगर 10 यूजर्स हैं तो उन 10 यूजर्स के लिए वो सेट कर देगा सेट
जीआईडी, ग्रुप आईडी। अगर ग्रुप आईडी सेट कर दिए तो जीआईडी, और सेट यूआईडी मतलब कि जो ओन करता है या जो क्रिएट कर रहा है फाइल उस पे सेट करेगा। स्टिकी बिट है, ये बहुत ही स्पेशल परमिशन है स्टिकी बिट, जो इंडिविजुअल फाइल को अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन एट डायरेक्टरी लेवल इट रिस्ट्रिक्ट फाइल डिलीशन। इंडिविजुअल फाइल्स पे तो अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर इसको डायरेक्टरी पे लगाया गया है, स्टिकी बिट डायरेक्टरी पे अगर लगाया गया है, तो जब हम rm-rf चलाएंगे या sudo rm-rf चलाएंगे, तो उस केस में वो डिलीट नहीं करने देगा, मतलब कि वो डिलीट प्रोटेक्शन इनेबल्ड हो जाएगा, उसका नहीं किया जा सकता है। तो ये कुछ बेसिक बेसिक एंड एडवांस कमांड और उसके ऑप्शंस हैं।